Meters. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. क्या क्या गिवन है हमें? कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि कैपेसिटी मीन्स यू आर गिवन द वॉल्यूम. सो कैपेसिटी ऑफ टैंक, हाँ जी, कितना? 50,000 लीटर्स. लेंथ, दिस इज द क्यूबॉइडल टैंक. तो आपने रफ फिगर में क्यूबॉइड बना देना. देन और क्या गिवन है? डेप्थ गिवन है. डेप्थ यू कैन से हाइट. एंड व्हाट यू आर टू फाइंड? Find the breadth of the tank. So let the breadth of the tank be denoted by B meters. Ab rest of the units are in meter, capacity is in liter. So you know the relationship between liter and meter cube. Kya hota hai? Yes, 1 meter cube is equal to 1000 liters. अब लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. इनको देख के आपको पता लग रहा है बड़ी यूनिट कौन सी है, मीटर क्यूब या लीटर? मीटर क्यूब. तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड, डिवाइड बाय 1000. सो दिस इज 50 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है. तो 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 50 मीटर क्यूब. अब क्यूबॉइडल टैंक है, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द टैंक? Volume is 50, L is 2.5, breadth we are to calculate, height is 10. So this is 50 upon 2.5 into 10. So B kitna aa jayega aapka? 2 meters. Ye decimal hataoge, yahan 10 aa jayega. 25, 2s are 50. So the height of the tank, breadth of the tank is 2 meter. Answer B पे नहीं छोड़ना last में, क्योंकि अब आपका MCQ part नहीं है. तो proper way में you are to give the answer. Breadth of the tank is equal to 2 meters. Clear? Do the calculations yourself, cutting वगैरह खुद करो. Now moving on to the sixth question. In question number 6, we are having a village having a population of 4000 requires 150 liters of water per head per day. Ek village hai jiski population kitni given hai? 4000. Requires 150 liters of water per head per day. Ek din mein ek person ke liye kitna pani chahiye? 150 liters. It has a tank measuring 20 by 15 by 6 meter cube. For how many days will the water of this tank last? कितने days के लिए पानी जो है इस tank का चलेगा?
4000 पॉपुलेशन है, एक पर्सन के लिए 150 लीटर पानी चाहिए और कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें गिवन है 20/15/6. व्हाट यू आर टू फाइंड, यू आर टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वॉटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट. इट मीन्स दोनों केसेस में आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे. वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन द टैंक आ गया आपके पास, उसके बाद वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय हाउ मेनी पर्सन, 4000 पर्सन. दोनों वॉल्यूम्स को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर. मेथड क्लियर है क्या करेंगे? हाँ जी हाँ जी, लिखिए नंबर ऑफ पर्सन इन द विलेज 4000. टैंक की शेप क्या गिवन है, क्यूबॉइड. तो रफ फिगर में क्यूबॉइड यू विल मेक. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. नंबर ऑफ पर्सन इन विलेज, फोर थाउजेंड. वॉल्यूम ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन, वन फिफ्टी लीटर्स. सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 persons. आप चाहो तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, या फिर वो जो मीटर क्यूब आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है, मीटर को कन्वर्ट कर लेना. ओके अब हमें क्या गिवन है, डायमेंशंस ऑफ द टैंक. लेंथ ऑफ टैंक 20/15/16. लेंथ इज 20, ब्रेड 15, हाइट 16. सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन द टैंक is equal to volume of tank, that is L into B into H. L hai 20, clear? Anji? नहीं, पहले यूनिट सेम बनाओगे फिर डिवाइड कर दोगे. ठीक है, अब 1 meter क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000. तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 1800 बाय 1000 एंड द यूनिट विल बी चेंज्ड टू लीटर्स. नाउ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वॉटर लास्ट, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वॉटर विल लास्ट. जब भी नंबर निकालते हैं तो सेम चीजें डिवाइड होती हैं. वी आर हैविंग द टू वॉल्यूम्स, तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दोगे. नंबर ऑफ डेज फॉर विच वॉटर विल लास्ट, दैट इज 18 × 1000 डिवाइडेड बाई 150 × 4000. अब मैंने यहाँ क्या गलती की है, आई हैव मेड वन मिस्टेक हियर. What is the mistake? Yes, it's 1800 × 1000. Now do the cuttings and get your answer. Cutting अपने हिसाब से कर लेना. So the answer will be 3 days. Thank you.
Now moving on to question number 7. This is your homework part, question number 6. Question number 7 now. A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in the godown. क्या क्या given है? Godown का dimensions given है. You can find out the volume. After that, you are to find the maximum number of wooden crates that can be placed in the godown, that can be stored in the godown. और crate की dimension क्या है? 1.5 by 1.25 by 0.5. तो दोनों volumes को क्या करोगे? Divide कर दोगे. You will get the number of crates. In case if it will be in decimals, तो क्या करोगे? एक ज्यादा लोगे कि एक कम लोगे? कम लोगे इस केस में, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ क्रेट्स, लेट अस सपोज कि वो आपका 8 point, लेट अस सपोज कि 4 आ रहे हैं, ठीक है? आप इसको 9 ले लेते हो कि हम उसको काट के नहीं रख सकते. तो जब आपने उसको 9 ले लिया तो 9 जो है वो उसमें नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो टोटल वाली आपको गिवन है वो आप नहीं बढ़ा सकते. तो 8 point इन केस अगर ये 7 भी गिवन है, राउंड ऑफ आपने नहीं करना. नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन है, तो आपने ये डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देना है, इसको छोड़ देना है. यू विल गिव योर आंसर्स एज 8, क्योंकि जितनी वॉल्यूम हमें गिवन है वॉल्यूम से ज्यादा नंबर ऑफ क्रेट्स आप नहीं रख सकते. यानी कि क्रेट्स की वॉल्यूम कैन नॉट बी मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन. तो नंबर आप उसको लेस करके एक पीछे वाला ले लोगे, इंटेग्रल पार्ट उसका ले लोगे, एंड जो ये है ये आपने बढ़ाना नहीं. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर, दिस इज, हाँ जी, नहीं, पॉइंट्स में नंबर ऑफ क्रेट्स यू कैन नॉट गिव, तो आप उसको इंटेग्रल वैल्यू ही दोगे. ठीक है, नंबर ऑफ क्रेट्स है, नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ डेज में आप ले सकते हो डेसिमल में, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ क्रेट्स, ये चीजें आप डेसिमल में नहीं ले सकते. ठीक है, तो 7th इज ऑल्सो योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8. सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. एक सॉलिड क्यूब आपको गिवन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम में कट किया गया. यानी कि क्या करोगे आप? जो साइड आपको गिवन है क्यूब की उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, उसे इक्वल क्यूब्स में डिवाइड किया गया, इक्वल वॉल्यूम के क्यूब्स में डिवाइड किया गया, तो डिवाइड दैट बाय 8. आपके पास छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, देन यू आर टू फाइंड द, क्या निकालना है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जितने क्यूब्स में डिवाइड किया है. ये क्यूब है मेरे पास एक, स्टेटमेंट समझो पहले. इन द स्टेटमेंट आई एम गिवन अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. यानी कि इसके टोटल वॉल्यूम को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तभी वो वॉल्यूम्स आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. गॉट माई पॉइंट? तो आपने क्या करना है, पहले इसका वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसको डिवाइड बाय करोगे 8. जब आपने उसको डिवाइड बाय 8 किया तो क्या आ गया आपके पास, टोटल इसके वॉल्यूम को, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड बाय 8 करने पे व्हाट आई विल गेट, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब आ गया या न्यू क्यूब आ गया, व्हाट यू आर टू फाइंड आउट, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब. तो हाउ टू फाइंड द साइड, वॉल्यूम गिवन है, साइड निकालना है, क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकाल लोगे. ए क्यूब आपको गिवन है, यू आर टू फाइंड आउट ए, तो जो वॉल्यूम आपको गिवन है उसका क्यूब रूट निकाल लोगे, दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, एंड देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. साइड्स गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द सरफेस एरिया. हरगुन जी, स्टैंड अप एट योर प्लेस एंड टेल मी हाउ टू डू, व्हाट शुड आई राइट. This is your question number 8.
क्वेश्चन समझ आया बेटे आपको? सुना नहीं ना? अच्छा चलो पहले मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट समझाओ क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, मेथड क्या है? ये होता है जब टीचर बोल देते हैं और हम सुनते नहीं है। इक्वल वॉल्यूम्स में आपने उसको डिवाइड करना है, तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालोगे। इस वॉल्यूम को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? बुक में नहीं देखना, अब तक याद हो जाने चाहिए। दिस इज योर फिफ्थ एक्सरसाइज गोइंग ऑन। साइड इंटू साइड इंटू साइड, और यू कैन से साइड क्यूब। ना सॉल्व करो आप इसको, डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस करेंगे कटिंग्स करके। अब क्या करें? डिवाइड बाय 8, तो यहां क्या लिखूं? बुक में स्टेटमेंट में न्यू क्यूब वर्ड यूज किया, तो आई एम यूजिंग द सेम वन। वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 8। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज 216। आई हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दिस 216। किसका क्यूब है? 6 का। तो साइड ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 6। यूनिट क्या चल रही है? सेंटीमीटर। आप ये दोबारा मत लिखना, मैं दोबारा लिख रही हूँ। तो दिस इज साइड, यहां पे मैं 6 क्यूब लिख देती हूँ। तो साइड कितनी आ गई? 6। नाउ व्हाट यू आर टू फाइंड आउट? यू आर टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब पहले कौन सा क्यूब आएगा, बड़ा के छोटा? पहले बड़े वाले की बात हुई है, तो जो ओरिजिनल था डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ। हाँ जी, क्यों? रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया पूछा है उसने, जिसके बीच में रेशियो पूछा है वही लेके चलेंगे। अब सरफेस एरिया के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस वी आर टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। जहां पे लेटरल या कर्व्ड होता है स्टेटमेंट में, वो हमेशा गिवन होता है। यहाँ सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, जहां सिर्फ सरफेस एरिया लिखा आएगा, यू आर टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? 6 इंटू साइड स्क्वायर। बड़े वाले की साइड क्या है और छोटे वाले की? मैंने अब यहाँ क्या गलती की है? स्क्वेयर्स लेनी है। So 4:1 is your answer. Last boy, is it done? Notebook लेके आओ मेरे पास। ध्रुव, डन? बी क्विक, इधर उधर तभी देखना है जब हमारा अपना काम हो जाएगा।
एट्थ रहने दो, एक सेकेंड, सेवेंथ मैंने दे दिया है, एट्थ रहने दो। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू विल डू इट एज योर होमवर्क पार्ट ऑल्सो। आज के होमवर्क पार्ट सिक्स सेवेंथ एंड नाइन्थ, पहले नाइन्थ वाले की स्टेटमेंट समझो, बाकी सब रिटर्न रिटर्न छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना मेरे साथ आपको। नाइन्थ में आपको क्या गिवन है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर गिवन है जिसकी डेप्थ कितनी गिवन है, 3 मीटर, और विड्थ कितनी गिवन है, 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर। तो जब भी इस तरह से रिवर वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उसकी स्पीड गिवन होती है, हम क्या करते हैं उसको मान लेते हैं आप, क्योंकि रिवर आपकी जो है वो लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे, पानी जितना लेंथ है रिवर की उतनी ही पानी की लेंथ भी बनेगी अगर हम सिर्फ एक डायमेंशन की उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इसको एज अ क्यूबॉइड। लेंथ कितनी गिवन है, गिवन है नहीं, क्या क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है कितनी, 3 मीटर, और ये कितनी गिवन है, 40 मीटर। जहां रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ गिवन है, हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि 1 आवर में उसने ये वाली लेंथ ट्रेवल की, यानी कि हम उसको 1 आवर के लिए एक क्यूबॉइड मान लेंगे। ठीक है, तो 1 आवर की वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं, यूजिंग दैट हम आगे वाली जो भी चीजें हैं वो करेंगे। तो जहां पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे जहां पे वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, तो जो भी रेट ऑफ गिवन होगा, आवर्स में गिवन है तो 1 आवर का निकाल लोगे, अगर वो मिनट्स में गिवन है मिनट्स का निकाल लोगे, सेकंड्स में गिवन है सेकंड्स का निकाल लोगे, यानी कि हम इसको एज अ क्यूबॉइड ट्रीट करेंगे विद द लेंथ जो 1 आवर में वो ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अब वाटर 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर। गॉट माई पॉइंट, क्या किया है हमने, हमें स्पीड ऑफ वाटर क्या गिवन थी, इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। आप तीनों को समझ आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया, अभिषेक बताओ मैंने क्या बताया। क्वेश्चन से पहले मैंने कहा कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में आपने लिखना भी नहीं है, सुनना है सिर्फ मुझे, एंड यू पीपल आर बिजी इन टॉकिंग। मुझे बताओ मैंने क्या समझाया है, दोबारा बताओ ये सारा, एंड यू आर टू स्पीक इन सच अ वॉल्यूम दैट इट शुड बी ऑडिबल टू द लास्ट गर्ल ऑल्सो। अभी मैं इस लाइन पे पहुंची हूं, मैंने ये लाइन की तो पढ़ी भी नहीं अभी, इस फर्स्ट लाइन को पढ़ के मैंने क्या समझाया है, एक स्टेप आपने बीच में स्किप कर दिया तो सेकंड स्टेप आपको समझ आ जाएगा, मैथ सही है, क्रैमिंग नहीं चलनी यहां पे। स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या समझ आया बताओ मुझे, बातें हो रही है, इट मींस आप खुद कर सकते हैं, आप खुद पढ़ो स्टेटमेंट्स, बताओ मुझे क्या समझ आया। हाँ जी, इसीलिए पूछ रहे थे ना, क्योंकि समझ नहीं रहे थे आप, टाइम की उसी को परवाह है जिसका टाइम पास नहीं हो रहा, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको समझ भी आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा आप पूछो, या तो मैं मना करती हूँ दोबारा समझाने से कि मैंने नहीं समझाना, फिर तो ये अलग चीज है, जब मैं ही कह रही हूँ कि मैंने नहीं समझाना तो आपका पूछना यूजलेस है, आप नहीं पूछ रहे, आप बातें करने लग गए। डिड यू आस्क मी कि मुझे नहीं समझ आया, फिर, और ये चीज मैं स्टार्टिंग से कहती आई हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ आपने मेरे साथ नहीं बोलना, यू आर टू लिसन टू मी, चाहे आप उसको अपनी मजबूरी समझो चाहे जो मर्जी समझो। सिट डाउन, दोबारा सुनो इसको, हमें गिवन है अ रिवर whose depth यानी कि height is 3 meter, whose width is 40 meter,
एंड वॉटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमें हाइट गिवन है, डेप्थ गिवन है, स्पीड ऑफ वॉटर फ्लोइंग गिवन है, वहां हमने उसको एज अ क्यूबॉइड मानना है। फिर नहीं सुन रहा आप? बाकियों को तो काफी को समझ आ गई होगी। जहां ऐसे क्वेश्चंस गिवन है, जहां वाटर फ्लोइंग का आपको रेट गिवन है, हमने क्या करना है? यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हमने क्या एज्यूम करना है? 1 आवर के लिए वॉल्यूम निकाल लेना है। 1 आवर के लिए कितना वॉल्यूम आएगा उसके लिए दिस विल बी योर लेंथ। आपको क्या गिवन है? वॉटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वॉटर? 2 किलोमीटर। तो इस पूरे को हमने 1 आवर के लिए एक डिब्बा बना दिया। अब इसमें हमने देखना है कि कितना हमारा वाटर स्टोर हो सकता है, दैट विल बी द वॉल्यूम। तो 2 किलोमीटर लेंथ हो गई फॉर 1 आवर। गॉट दिस? अब 1 आवर के लिए हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। पूछा क्या है उसने? हाउ मच वॉटर विल फॉल इंटू द सी इन अ मिनट। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन 1 आवर आ जाएगा। जितना वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन 1 आवर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन मिनट। क्या करोगे उसके लिए? 60 से डिवाइड कर दोगे। 1 मिनट में जितना वॉल्यूम है, जब रिवर फ्लो कर रही है, सारा का सारा पानी कहाँ गिरेगा? सी में। तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन 1 मिनट जो है दैट विल फॉल इन टू द सी। मेथड क्लियर है क्या करना है? क्या लें अब यहाँ पे? या फिर वन मोर थिंग यू कैन डू, आप इस 2 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर मिनट में, नॉट सेकेंड, मिनट में। ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो विद दैट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखूं? पहले हाइट और ब्रेथ ले लेते हैं जो गिवन है। Height is 3 and breadth is 40. Breadth or width also you can write down. Now water is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन 1 आवर कितना वाटर फ्लो कर रहा है? 2000 मीटर। ये मैं यूनिटरी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। 60 मिनट्स में वाटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगा? हमें व्हाट, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट निकालना है। 1 मिनट में निकालना है, तो हमने पहले इसका 1 मिनट में कन्वर्ट कर लिया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2000 बाय 60। यानी कि अब लेंथ हो गई हमारे पास 2000 बाय 60, वेथ कितनी है 40 और हाइट कितनी है 3। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सो यू विल गेट योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी put the values and get your answer. Theo? किसको? नहीं, 2 किलोमीटर गिवन था ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटे। यहाँ पे दिस इज गिवन 2 किलोमीटर, इस किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाकी यूनिट्स मुझे मीटर्स में गिवन है, ठीक है। और क्योंकि मुझे 1 मिनट में वाटर का वॉल्यूम निकालना था,
तो मैंने इस 1 आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 1 मिनट में. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 60 हमें इन 1 आवर गिवन था. तो ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही, ठीक है, क्लियर. 1 मिनट में हमने कितनी लेंथ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो निकाल रहे. अब सब कुछ हमारे पास 1 मिनट के अकॉर्डिंगली है. 1 मिनट के लिए हाइट चेंज नहीं होगी, ब्रेथ चेंज नहीं होगी रिवर की, और वाटर का जो लेंथ जितना वो ट्रेवल कर रहा है वो हमने निकाल लिया. तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, दैट इज 4000 मीटर क्यूब. सो विद दिस योर दिस एक्सरसाइज इज ओवर. मंडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.6. टिल मंडे यू आर टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज अप टू 13.5. मैं भिजवा देती हूँ.